The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Dosto, Remdesivir injection nahi mil raha, Fabiflu, Favipivavir dawa nahi mil rahi, Anti-flu, Fluvir, Oseltamivir antiviral medications nahi mil rahe. कोई भी एंटीवायरल दवाई नहीं मिल रही और ये सिचुएशन बहुत कॉमन हो गई है और हर एरिया में यही देखने को मिल रहा है कि दवाएं खत्म हो गई हैं, दवाई नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है. एवरीबॉडी इज पैनिकिंग. रिलैक्स, देखिए रिलैक्स करिए. जो मेन आपको ट्रीटमेंट है वो याद रखना है, दीज थ्री मेडिकेशंस आर नॉट एग्जैक्टली अ क्योर. ये एग्जैक्ट क्योर नहीं है, ये सिर्फ वायरस का जो ड्यूरेशन है, वायरस के थोड़े से नंबर कम करता है. यही चीज वायरस के जो नंबर कम करने वाला काम है, ये विटामिन सी भी करता है, ये जिंक भी करता है, ये सिनेमिन करता है, या आपके घर में पड़े हुए अदरक करते हैं, घर में पड़े हुए जो विटामिन सी वाले जो आंवले, जो संतरे, ये सब चीजें करती हैं. तो आपके घर में कई सारी चीजें हैं जो वायरस के नंबर्स कम कर सकते हैं. आपको विटामिन सी हैवी डोज में लेना है, जिंक हैवी डोज में लेना है, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है. और सबसे ज़्यादा जो एंटीवायरल होता है वो होता है पानी. अगर आप पानी 4-4 लीटर पीते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, खुद टेंशन नहीं लेते हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एक्चुअली में सीआरपी लेवल्स कम होते हैं. अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, सलाद खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, पानी खूब ज़्यादा पीते हैं, तो आपको ये जो एंटीवायरल दवाइयां हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं होने पे कोई इशू नहीं आएगा. और जैसा कि हमने पहले बताया था, नेबुलाइजेशन आपको करते रहनी है. नेबुलाइजेशन विथ लिवोलिन, डुओलिन या एंड ब्यूटिकॉट. वो नेबुलाइजेशन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखेगा. ऐसे की नेबुलाइजर की मशीन होती है, उसके ऊपर ऐसे के नेबुलाइजेशन होते हैं, ऐसे छोटा सा ये डाल के इसमें डाला जाता है और इसमें इसको शुरू करा जाता है. ठीक है, सो ये नेबुलाइजर है, इसको लगाया जाता है. नेबुलाइजर वाली वीडियो में देख लीजिएगा. मगर याद रखिए, अगर दवा नहीं मिल रही है, उसे ऑनलाइन या आपके आसपास वाले मेडिकल स्टोर वालों को बोल के रखिए, उन्हें भी बेचना ही है, लाएंगे बेचेंगे आपको ही देंगे. और बाकी सारा ट्रीटमेंट चालू रखिए और अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए. लेकिन डॉक्टर को बार बार परेशान मत करिए. याद रखिए, अगर कोई डॉक्टर कोशिश कर रहा है आपसे कनेक्टेड रहने की, तो आपके जैसे 100-200 लोग उससे कनेक्टेड है. सब के सब अगर हर घंटे उससे 10 सवाल पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे सकता. सो कृपया सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सवाल पूछिए, ज़रूरी बातें पूछिए और हमारे वीडियो जितना हो सके शेयर करें. और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन लेने से कोरोना का फ़ायदा होगा, आपका नहीं.